हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल प्रोसीड फॉर चैप्टर थर्ड सॉर्टिंग। इन फर्स्ट चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर। सॉर्टिंग इज़ वन ऑफ देम। ओके, सो we were talking about sorting in first chapter, that arranging data in a specific order is called sorting. Now let's come, sorting refers to arranging data in a particular format. ठीक है, वही कि arranging data ये in particular format specific order. Sorting algorithm specifies the way टू अरेंज डेटा इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। मोस्ट कॉमन ऑर्डर्स आर इन अ न्यूमेरिकल और लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉर्टिंग लाइज इन द फैक्ट दैट द डेटा सर्चिंग कैन बी ऑप्टिमाइज टू अ वेरी वेरी हाई लेवल। ठीक है, तो मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ सॉर्टिंग क्या है, क्या रीज़न है इफ़ डेटा इज स्टोर्ड इन अ सॉर्टेड मैनर। क्या इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ये है कि अगर कोई भी डेटा हमारा सॉर्टेड है तो हम वहाँ पर डेटा को ईज़िली किसी भी लेवल पे उसको सर्च कर सकते हैं ईज़िली। ठीक है, तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ओके, तो सॉर्टिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑन डेटा स्ट्रक्चर। बाई सॉर्टिंग वी कैन फाइंड आर डेटा एट एनी टाइम एनी पर्टिकुलर सिचुएशन। सो नेक्स्ट है, सॉर्टिंग इज़ ऑल्सो यूज टू रिप्रेजेंट डेटा इन मोर रीडेबल फॉर्मेट्स। मतलब रीडेबल फॉर्मेट्स होता है उसमें भी हम इसको, इसके लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सॉर्टिंग इन रियल लाइफ सिनेरियोस। कि रियल लाइफ सिनेरियोस के अंदर की सॉर्टिंग क्या है, किस तरह से होती है। पहला है टेलीफोन डायरेक्टरी। द टेलीफोन डायरेक्टरी स्टोर्स द टेलीफोन नंबर्स ऑफ पीपल सॉर्टेड बाय देयर नेम्स एंड सो दैट द नेम्स कैन बी सर्च ईजिली। ठीक है, पहले जब आजकल तो ये टेलीफोन जो डायरेक्टरीज होती हैं इतना इनका रोल नहीं रहा, लेकिन हम जब छोटे थे तो हम देखते थे कि एक टेलीफोन डायरी होती थी जिसमें अल्फ़ाबेटिकल के होते थे, मतलब उसमें चिट लगी रहती थी, मतलब स्टिकर्स लग रहे थे कि ए बी सी डी इस तरह से, और उसमें जिस मतलब जो भी पर्टिकुलर नेम है जिससे भी स्टार्ट हो रहा है, जिस अल्फ़ाबेट से भी नेम, उस अल्फ़ाबेट के अंदर उस पर्टिकुलर जो स्पेस होता था, फॉर्मेट होता था, वहाँ पर उसका नाम क्या लिख दिया जाता था, उसके नंबर लिख दिए जाते थे। पर आज तो खैर मोबाइल्स के अंदर सब नॉर्मली कर लेते हैं। लेकिन सेकेंड एग्ज़ाम्पल है, रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल डिक्शनरी। ये तो आज भी देखने को मिलती हैं कि जो पेपर बेस्ड डिक्शनरीज होती हैं ना, उसमें क्या है कि जो वो क्या है, एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर क्या होता है कि मतलब मैनर होता है वो, जैसे कि वो डिक्शनरी के जो वर्ड्स होते हैं वो किस में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, सो दैट सर्चिंग ऑफ एनी वर्ड बिकम्स ईजी। तो मतलब जिस भी जो भी वर्ड है जिस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा, उसी अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग क्या है वो, उसको सर्च कर लिया जाता है। नेक्स्ट है आपके इन प्लेस सॉर्टिंग एंड नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग। सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स में रिक्वायर सम एक्स्ट्रा स्पेस फॉर कंपैरिजन एंड टेम्प्रेरी स्टोरेज। इसका एग्जांपल होता है बबल सॉर्ट, आगे हम पढ़ेंगे। ऑफ फ्यू डेटा एलिमेंट्स इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम डू नॉट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा स्पेस एंड सॉर्टिंग इज़ यूज टू हैपन इन प्लेस विद इन द एरे इटसेल्फ। बबल सॉर्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इन प्लेस सॉर्टिंग। अब सेकंड है नॉन इन प्लेस सॉर्टिंग। मर्ज सॉर्ट जो होता है वो इसका वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, तो इसको आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट है आपके स्टेबल एंड अनस्टेबल सॉर्टिंग। इफ़ आ सॉर्टिंग एल्गोरिदम आफ्टर सॉर्टिंग द कंटेंट्स डज नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ सिमिलर कंटेंट इन विच दे अपीयर, इट इज़ कॉल्ड स्टेबल। ठीक है, इसका हम अनस्टेबल का ही पढ़ लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। इफ़ अ सॉर्टिंग एल्गोरिदम आफ्टर सॉर्टिंग द कंटेंट चेंजेस द सीक्वेंस ऑफ सिमिलर इन विच दे अपीयर, इट इज़ कॉल्ड अनस्टेबल सॉर्टिंग। अब देखो आप, हम इसका क्या है एग्जांपल के थ्रू हम इसको डिस्कस करेंगे। देखो एक बार कि ये पूरा आप फिगर देखिए, पहला वाला जो है ये जो लाइन है ये अनसॉर्टेड है। ठीक है,
तो इसके अंदर जो इनके जो स्पेस है जहाँ पर ये डेटा स्टोर है 0, 1, 2, 3, 4, ये इसकी पोजीशन है 35, 33, 42, 10, 14, 19, 26, 44, 26 और 31, ये अनसॉर्टेड है, ठीक है। तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड किया गया, देखो 10, 14, 19, 26, 26, 31, 33, 35, 42 और 44। अब देखो डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ 26 सिमिलर है ना, एक नेक्स्ट देखते हैं अपन, सेम यहाँ भी यही, वो अनसॉर्टेड ही है और इसमें भी वही सॉर्टेड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो सिमिलर कंटेंट है ना, यानी 26, तो ऊपर वाले में तो जो पहले अनसॉर्टेड में था, जहाँ प्लेस था 26 का, वो पहले ही सॉर्टेड हुआ है, और जो 8 पोजीशन पे है वो बाद में सॉर्टेड हुआ है। लेकिन अनस्टेबल में ऐसा नहीं होता, इसमें 6 पोजीशन पे जो है वो बाद में हुआ सॉर्टेड, और 8 पोजीशन पे था वो थर्ड पोजीशन पे चला गया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही है कि अनस्टेबल में क्या है, ऐसा कोई ऑर्डरली या सिक्वेंस से वो नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन स्टेबल के अंदर जो सिमिलर कंटेंट होते हैं वो एक उस पर्टिकुलर उससे वो उससे चेंज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके अडेप्टिव और एंड नॉन अडेप्टिव सॉर्टिंग एल्गोरिदम। सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज सेट टू बी अडेप्टिव इफ इट, देखो ये जो कहा जाता है ना, या इट इज सेट दैट कि ये जो आगे इनकी कंडीशन दे रखी ना, इफ़ इट टेक्स, मतलब ये क्या है कि इफ़ इट टेक्स कब होगी ऐसी अडेप्टिव सॉर्टिंग एल्गोरिदम, तब ये कंडीशन को कंप्लीट करेगी या फॉलो करेगी। इफ़ इट टेक्स एडवांटेज ऑफ ऑलरेडी सॉर्टेड एलिमेंट इन द लिस्ट दैट इज़ टू बी सॉर्टेड, और दैट इज़ वाइल सॉर्टिंग इफ़ द सोर्स लिस्ट हैज़ सम एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड, अडेप्टिव एल्गोरिदम विल टेक दिस इनटू अकाउंट and will try not to reorder them. A non-adaptive algorithm is one which does not take into account the elements which are already sorted. They try to force every single element to be reordered to confirm their sortedness. ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या फ़र्क है। एक्चुअली क्या अडेप्टिव और नॉन अडेप्टिव सॉर्टिंग एल्गोरिथम वो होती है जिसमें, उसमें पहले यहाँ लिखा हुआ है ना, देखिए, इफ़ इट टेक्स एडवांटेज ऑफ ऑलरेडी सॉर्टेड एलिमेंट, मतलब क्या है कि जब कोई अनऑर्डर डेटा दे रखा है हमें और उसमें कुछ एलिमेंट सॉर्टेड हैं, जैसे मान लो 26 दे रखा है, 30 दे रखा है और 36 दे रखा है, ये तीनों इसी इसमें दे रखे हैं, इसी ऑर्डर में दे रखे हैं, तो ये जब अडेप्टिव में तो क्या होता है कि ये उसको सॉर्टेड नहीं करेगा और उसको एज इट इज़ लिख देगा, लेकिन नॉन अडेप्टिव में क्या होगा, पूरा हमें प्रोसेस को करना पड़ेगा और वो एक एक को कंपेयर करेगा, कंपेयर करने के बाद फिर उसको सॉर्ट करेगा, ठीक है। तो अडेप्टिव में वो कंपेयर नहीं करता अगर वो इफ़ डेटा इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड, बट इन नॉन अडेप्टिव में वो सभी डेटा को क्या होगा, बारी बारी है ना, हर स्टेप के अंदर एक दूसरे से चेक करेगा, उसके बाद ही उसको क्या करेगा, सॉर्टेड करेगा। अब कुछ उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, इसको अब मुझे लगता है कि बताने की ज़रूरत नहीं है। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है और नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का, तो इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं, ये आप लोग खुद से पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बबल सॉर्ट, और यू नो व्हाट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि बबल सॉर्ट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम, जो हमने यहाँ पर ये जो डिस्कस किया था ना स्टेबल से पहले, इन प्लेस सॉर्टिंग, ओके। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बबल सॉर्ट से आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो किस तरह से बबल सॉर्ट को फाइंड किया जाता है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में।